जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉस्मस स्कूल के सामने यहाँ जो साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के जो भी विजुअल्स हमने तैयार किए, लोगों से बातें की हैं, लोगों से बात करने के बाद से हैरान कर देने वाली खबर जो है सामने आ रही है। हैरान कर देने वाली खबर ये है कि यहाँ के जो पार्षद पति हैं, जी हाँ 97S हरिनगर वार्ड के पार्षद अनामिका सिंह के पति मिथिलेश सिंह, जब उनके पास लोग फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हर्ष विहार का डी ब्लॉक उनका एरिया ही नहीं पड़ता, ये किसी और पार्षद का एरिया पड़ता है। जी हाँ, यहाँ की जनता को इतनी बुरी तरह से गुमराह कर रहे हैं मिथिलेश सिंह, इसकी जवाबदेही किसकी है, जानते हैं यहाँ के लोगों से। बहन जी आप बताइए, फोन करने पर क्या बोलते हैं? यहाँ पे आते ही नहीं है, कहते एरिया हमारा नहीं है। अंकल जी क्या बोलते हैं? अब तो फोन ही नहीं उठाते। खैर ये सुन लीजिए, उनका कहना है, इनका कहना है कि वो तो फोन ही नहीं उठाते, और फोन बाई चांस उठा लिया तो सीधे सीधे ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये एरिया मेरा नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने बड़े भरोसे के साथ आपको चुनाव जीता करके यहाँ से भेजा था, सिर्फ इसलिए कि आप मोदी के नाम पर ये चुनाव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ये चुनाव जीते थे, और आप खुद पार्टी का पलीता लगा रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है पार्टी में बने रहने का, यदि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। आप पार्टी को न बदनाम करें, आप पार्टी को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। आप जैसे नेता, आप जैसे लोगों के चलते ही बड़ी बड़ी पार्टियाँ ध्वस्त हो जाती हैं। जग जाइए, नींद से जागिए, और यहाँ के लोगों को चैन से जीने दीजिए। पूरे 97S हरिनगर वार्ड का कोई भी एक ऐसा गली नहीं है जिसमें आपका आदमी साफ सफाई करने निकलता हो। इस मई में पूरे एक साल हो जाएंगे, 21 मई 2017 को आपने शपथ लिया था, और आज 21 अप्रैल 2018 है। नेक्स्ट 12 मंथ्स, एक साल के अंदर आपका आदमी एक बार भी इस इलाके में सफाई करने नहीं आता है। शर्म की बात है ये।